अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। ईद की छुट्टियों के वजह से कुछ मसरूफियत थी, जिसकी वजह से लंबे वक्फे के बाद आज मैं कच्चे कीमे के कबाब लेके आई हूँ, जो कि बहुत मज़े के और टेस्टी हैं। तो मैंने कहा ये आपको बताए जाएंगे ये किस तरह बनते हैं। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलेंगे उसमें ये 1 किलो कीमा लिया है मैंने, ये मशीन का कीमा है, कच्चा कीमा 1 किलो मशीन का। और उसमें डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून कुटी मिर्चें, 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, और ब्रेड क्रम्स हैं 2 डबल रोटी के पीस लेके उनको बारीक बारीक चूरा कर लिया था वो, और साथ में एक हाफ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा है, कुटा हुआ ज़ीरा। उसके साथ आ गए ये 2 लेमन रखे हुए हैं, ये भी मैं डालूंगी इसके अंदर निचोड़ के, और धनिया पुदीना और इसमें हरा प्याज वो भी मैंने काट के रखा हुआ है, पिसा हुआ अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून, और 1 करत प्याज ले ली थी मैंने दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने ऐसा चॉप कर लिया मोटा मोटा वो, और साथ ही 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च, और उसके साथ ही मैंने 4-5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं उनको भी चॉप कर लिया, 1 अंडा है, और इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि कुटी हुई मिर्चें भी हैं, ब्लैक पेपर भी है इसमें, हरी मिर्च भी जाएगी, तो जिस तरह आपको स्पाइसी लगे उसी हिसाब से आप डाल लीजिएगा। जी व्यूअर्स, अब मैं इसमें अपने जो ये मैंने कीमा लिया था, 1 किलो कीमा है ये, तो इसमें मैं मसाले डालती हूँ। सबसे पहले इसमें 1 कुटी मिर्चें ये डाल दी, और ये ब्लैक पेपर और नमक, इसके अंदर हस्बे टेस्ट है वो आप डाल लेना अपने हिसाब से, और ये प्याज है चॉप हुआ हुआ ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया सारा, और ये 1 टेबल स्पून में इसमें कुटा हुआ 1 या 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया मैंने शामिल कर दिया है। इसी तरह ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये भी मैंने इसके अंदर सारा शामिल कर दिया है, और ये ब्रेड क्रम्स और ये पिसा हुआ ज़ीरा ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ये डाल दिया इसमें, लाल मिर्च और गरम मसाला ये भी इसमें चला गया सारा। अब इसके अंदर ये चॉप हरी मिर्चें ली थी ये भी इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं जिसके अंदर मसाला ऑलमोस्ट जो है वो साबित ही जाएगा। तो अब इसके अंदर मैं ये जो मैंने लिया था धनिया है इसके अंदर, पुदीना है और हरी प्याज है वो इसकी बड़ी बड़ी चॉप की हुई वो भी मैंने इसके अंदर सारी शामिल कर दी है इस तरह। 1 अंडा, ये 1 अंडा मैं इसके अंदर डालूंगी तोड़ के, ऐसे 1 अंडा डाल दिया है। अब इसके अंदर मैंने लेमन का इसमें जूस डालूंगी इसके अंदर, 1 लेमन ले लेना आपने उसके अंदर का, ऐसे इस तरह आपने करना है, इससे ज़रा इसका टेस्ट और मज़ा अच्छा आएगा ज़रा, ये ऐसे सब मिक्स मसाले हमने डाल दिए, ये आप जब बनाएंगे तो बहुत मज़े के आपको लगेंगे और टेस्टी बनेंगे। अब ये सारे मसाले हमने आपके सामने डाल दिए थे, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ऐसे मिक्स करके इसको 1/2 आवर आप छोड़ दें ताकि इसके अंदर अच्छे तरीके से मसाला जो है वो जज़ब हो जाए इसके अंदर, ऐसे तो वो फिर बहुत मज़े के और अच्छे टेस्टी बनेंगे जब आप बनाएंगे। तो ये मैं इसके अंदर अभी ये मसाला मिक्स करके अच्छे से, तो इसको ऐसे ये 1/2 आवर मैं इसको छोड़ दूंगी, ये देखें आपके सामने ये अच्छे से इसकी
मिक्सिंग हो गई अच्छे से इसकी। ये देखें अच्छे से इसको मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। ये देखें जी, अब मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। अब मैं ये कबाब तलने लगी हूँ। थोड़ा सा इसमें डालेंगे ऑयल ऐसे, थोड़ा सा ऑयल हमने डाल लिया है। ये ऑयल ज़रा गर्म हो जाए तो बस इतना ऑयल डालना है कि जितने आपके कबाब जो है वो बस अच्छे से जो है फ्राई हो जाए। इसमें इस तरह आपने लेना है, इस तरह आपने ले लेने ऐसे। ये देखें इस तरह गोल से आपने करके बना के तो आपने फ्राई पैन में डाल देने हैं इस तरह से। फ्राई पैन में डाल देने हैं, साथ बनाते जाने और साथ बना के आपने पैन में डालते जाए। ये चार पांच मैं अभी डाल दूंगी इसके अंदर तो फिर सब फ्राई हो जाएंगे। फिर ये इस तरह से मैं ये बना रही हूँ। ये देखें ये बड़े बहुत मज़े के टेस्टी तैयार हो जाएंगे। घर में बनाएं आप इसी तरह ही। आजकल तो अभी कुर्बानी जो अभी कुर्बानी की गुजरी है ताज़ी ताज़ी, तो घर में गोश्त वोश्त तो होगा कीमा कीमा, बनाए और इंजॉय करें। जी ये देख लें, अब ये एक तरफ से हल्के हल्के से ब्राउन हो गए, बड़े धीरे से बहुत इसको आराम से आपने ऐसे टर्न कर लेना है। टूटेंगे तो नहीं ये, क्योंकि इसके अंदर हमने ब्रेड क्रम्स डाले हुए हैं और अंडा भी डाला हुआ है। तो ये देखें ये इस तरह से नीचे से गोल्डन हो जाएंगे और दूसरी साइड से भी ऐसे जब पक जाएंगे तो ये फिर माशाल्लाह तैयार हो जाएंगे बिल्कुल। ये इस तरह से ऐसे ये देखें एक तरफ से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब ये दो चार मिनट और लगेंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे माशाल्लाह। सही जी व्यूअर्स, अब ये देखें कबाब हमारे माशाल्लाह रेडी हो गए। इस तरह से इनको प्लेट के अंदर निकाल लेना है। ये दोनों तरफ से अच्छे से पक गए हैं। ये देखें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं दोनों साइडें इसकी बड़ी अच्छी। जी व्यूअर्स, अब हमारे कबाब बन के तैयार हो गए बिल्कुल। बहुत अच्छा सा कलर आ गया इनका, बहुत अच्छे मज़े के बन गए। इसी तरह ही आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएं घर में और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ और मिलती रहें। तो मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।